बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े, जिसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है, एक कप पानी लिया है, उसमें हम एक कप चीनी डाल देंगे। इसकी हम चाशनी बना देंगे। इसमें हम 3 इलायची डालेंगे, क्योंकि हमारे घर में इलायची नहीं पसंद करते हम, इसलिए इसका इलायची पाउडर नहीं डालेंगे, इसको साबुत इलायची खुशबू के लिए। अब दूसरा स्टेप जो है दूध, दूध हमने 2 से 2.5 कप लिया है, उसको उबलने के लिए रख दिया। इसमें भी हम इलायची डालेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखें। अब इसको हम उतार देंगे ताकि ठंडी हो जाए। दूध में उबाइल आ चुका है, अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। आपको इसकी तरकीब हम बता चुके हैं, बनाना सिखा चुके हैं। अब इसमें हम बादाम डालेंगे और जो गिरी हमने कद्दूकश की हुई है वो, और अब इसको हम हल्की आंच पर पकने देंगे। दूध हमारा हो चुका है गाढ़ा, अब इसका हम चूल्हा कर देंगे बंद, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। पैन हमने रख लिया है, गर्म हो रहा है, हमने थोड़ा सा तेल लगाया और ये जो हमारे पीस है ना, उनको हम गरम करेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी उनकी शक्ल बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने कुछ इस तरह से बनाए हैं और कुछ इस तरह से। साइड चेंज कर रहे हैं, इनको रेड सुरख करना है। पीस हमारे देखें कितने अच्छे खस्ता हो चुके हैं, इसी तरह खस्ता रेड करने हैं। उसके बाद हम इसको, ये जो चाशनी है इसमें इस तरह से डिप करके इसके अंदर रखेंगे। ये चाशनी में सारे डूब चुके हैं, अब इसके हम जो दूध है वो ऐड करेंगे। अब जो बादाम और गिरी है कद्दूकश की हुई वो हम इस पर गार्निश करेंगे। अब ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसको ठंडा करके खाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।